कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की दिल्ली वाली दोस्ती जो चुनाव से पहले बंगाल में कसौटी पर चढ़ी, वो वोटिंग के दो चरण गुजरते गुजरते अब अदावत वाले मोड़ पर पहुंच गई है। इसका सबसे ताजा सबूत देखिए। तृणमूल के वोट का माने तत्ते वाले बीजेपी के वोट दी ना, तृणमूल के वोट का माने तत्ते के अनेक वाले बीजेपी के वोट दी ना। कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता रह चुके हैं, इसलिए मुर्शिदाबाद की रैली में जब उन्होंने लोगों से तृणमूल कांग्रेस की जगह बीजेपी को वोट करने को कहा तो सब हैरान रह गए। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तिलमिला गई। जवाब में कांग्रेस को बांग्ला विरोधी और बीजेपी की बी टीम बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अधीर रंजन का वीडियो पोस्ट कर दिया। तृणमूल ने लिखा, बीजेपी के आंख और कान के रूप में कार्य करने के बाद अधीर रंजन चौधरी को अब बंगाल में बीजेपी की आवाज के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। बी टीम का सदस्य खुलेआम लोगों से बीजेपी यानी एक ऐसी पार्टी को वोट देने के लिए कह रहा है जिसने बंगाल का वाजिब हक देने से इनकार कर दिया और हमारे लोगों के अधिकार छीन लिए। जिस बीजेपी ने बार बार बंगाल के प्रतीकों का अपमान किया है, कोई बंगाल विरोधी ही उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 13 मई को बहरामपुर की जनता इस धोखे का करारा जवाब देगी। तृणमूल के क्रोध की ताजा वजह बने कांग्रेस के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए ममता की पार्टी ने उन्हीं की सीट का नाम लेकर धमकी दे दी। अब ये बात कांग्रेस नेताओं तक पहुंची तो डैमेज कंट्रोल के लिए जयराम रमेश खुद सामने आए, गलती से मिस्टेक वाली मुद्रा में बोले, अधीर रंजन का वीडियो देखा नहीं है, संदर्भ भी पता नहीं। इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है, मैं नहीं जानता हूं। पर एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है। जयराम रमेश ने पैचअप के चक्कर में भले ही अधीर रंजन की बातों को डाउनप्ले करने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर शुरू से कड़े। 2 दिन पहले मालदा की रैली में ममता ने क्या कहा था वो सुनना जरूरी। मोदी बाबू जो गोदी उल्टाते हैं তাহলে সভ্য ত্যাগ কাট্টা করে রাখবেন। কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে তার কারণ বিজেপি দুটো চোখ, একটা কংগ্রেস আর একটা সিপিএম। কংগ্রেস ও টিএমসি কি ইস্তকরার কা সিধা ফায়দা বঙ্গাল মে বিজেপি কো হো সকতা হ্যায় জো ইস বার 42 মে সে 35 সিট জিতনে কা টার্গেট লেকার চল রহি হ্যায়।